हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं शकील और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेलर बडी में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पर ये जो वीडियो आ चुकी है सिलाई मशीन रिपेयरिंग के बारे में, तो इससे पहले मैंने नेक डिज़ाइन की वीडियोस डाली थी, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं, वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आज की जो प्रॉब्लम है ये देखिए, जब भी हम सिलाई कर रहे हैं तो कपड़ा इस तरह से खिंच जा रहा है, सिलाई तो बराबर आ रही है आगे पीछे से कपड़ा, लेकिन खिंच रहा है, तो उसको कैसे ठीक करना है इस बारे में मैं बताऊँगा। तो वीडियो को देखते रहिए, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सिलाई करके दिखा देता हूँ कि सिलाई हमारी कैसे आ रही। सिलाई तो ठीक है, पर कपड़ा किस तरह से खींच रहा है वो दिखा देता हूँ। तो हम सिलाई करना शुरू करते हैं। देखिए, हमने कपड़ा फोल्ड करके रख लिया है मशीन पर, अब सिलाई हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो कपड़ा है हमारी जो राइट साइड है, राइट साइड से कपड़ा खींच रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, कपड़ा जो हमारा है सीधे से आगे नहीं सरक रहा है, खींच रहा है कपड़ा। तो इसको हम ठीक करेंगे, वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत करिए बिल्कुल भी, इससे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा जो कपड़ा है हो रहा है, तो हम इसको हम बाजू में कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस वजह से होती है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम ये टेंशन निकाल लेंगे बाजू में, इसको खोल लेते हैं टेंशन को, इस तरह से हम इस टेंशन को निकाल लेंगे खोलकर। ये टेंशन निकालने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। तो सबसे पहले हम जो हमारी जो दाती है उसको ऊपर कर लेंगे। ये देखिए, हमने दाती को ऊपर कर लिया है। इस साइड से अगर हम देखेंगे तो दाती हमारी सही से प्रॉपर तरीके से ऊपर, इस तरह से दांत हमारे दिख रहे हैं मशीन के। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे दाती के दांत हैं वो दबे हुए हैं। तो कारण यही है कि जो हमारे एक साइड के दाती के जो दांत हैं वो घिस गए हैं चल चल कर, इसलिए जो हमारा कपड़ा है इस तरह से फोल्ड हो रहा है सिलाई करते समय। तो ये देखिए, इस साइड के बहुत ही बारीक हुए, इस साइड के इस तरह से बराबर प्रॉपर तरीके से ठीक है। तो इसके लिए आपको दाती ही चेंज करनी होगी, या फिर हम इसको खोल कर देख लेते हैं, पेच को ढीला कर लेंगे, पेच कस से इस वाले पेच को भी हम ढीला कर पेच निकाल लेंगे, और उसके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे। अभी ढीला होने के बाद हम इसको हाथ से घुमाकर निकाल लेंगे। अब इसको हम साइड में कर देंगे इस पटरी को। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए कितना हमारा कचरा जमा हो गया है सिलाई करते, सिलाई का धागे वगैरह। तो हम इसको हम साफ कर लेंगे। साफ करने के लिए ये देखिए, ये जो हमारी दाती है वो हिल भी रही है, यही कारण है कि जो हमारा कपड़ा खींच रहा है। देखिए, दाती हमारी हिल रही, पेच भी दोनों भी हमारे ढीले हो गए हैं। तो सबसे पहले हम ये कचरा साफ कर लेते हैं। कचरा साफ करने के लिए हम एक सुई लेंगे बड़ी, उस सुई की मदद से हम कचरे को निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से आपको कचरे को निकाल लेना है। कचरा निकालने के बाद अच्छे से साफ करेंगे उसको, एक दो फूंक भी लगा देंगे, इससे हमारा कपड़ा ये कचरा निकल जाएगा। अब हम इसको पेच से, इसको हम पेच कस से इसको कस लेंगे, टाइट कर लेंगे दोनों पेच को, ताकि जो हमारी दाती है वो एकदम टाइट बैठ जाए। अभी अच्छे से टाइट करने के बाद हम इस पटरी को हम लगा देंगे और इसके पेज भी हम कस देंगे, इसको फिट कर लेंगे हम पटरी को। इसको आपको अच्छे से टाइट कर लेना है।
प्रॉब्लम यही थी, इसलिए जो हमारा कपड़ा खींच रहा था अब हमने उसको ठीक कर लिया है, तो देखते हैं कि कपड़ा हमारा सही से आगे बढ़ता है या नहीं। अब ये पटरी भी हमने टाइट कर ली अच्छे से, तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी दाती है वो ऊपर उठी है या नहीं। ये देखिए, इस साइड वाली दाती हमारी नीचे दब गई थी, अब ये थोड़ा सा ऊपर उठकर दिख रही है, जिससे जो हमने टाइट किया था इसको दाती को, इससे जो हमारी दाँतें जो है ऊपर आ चुकी हैं। तो हम इसको टंचन को फिट कर लेंगे पहले, फिर से पेचकस लेकर उसको टाइट कर देंगे। अब ये हमारा टंचन जो है अच्छे से टाइट हो गया है, तो अब जो नीचे का जो धागा है हम बाहर निकाल लेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि सिलाई कैसे हो रही है। हम धागे को बाहर निकाल लेंगे, फिर से एक बार कोशिश करके देख लेंगे धागा बाहर निकालने की। अब ये जो धागा हमारा बाहर निकल गया है, तो हम कपड़ा लेकर फिर से सिलाई कर देख लेते हैं कि कपड़ा खींच रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमने वही कपड़ा लिया है, आपके सामने ही मैं सिलाई करके दिखा दूंगा कि किस तरह से हमारा कपड़ा खींचता है या नहीं। ये देखिए, हम कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे, अब करते हैं सिलाई। ये देखिए, कपड़ा यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल भी खींच नहीं रहा है, ये जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए, बहुत ही आराम से हमारा कपड़ा आगे जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से कपड़ा हमारा आगे जा रहा है, तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखेंगे कि सिलाई प्रॉपर आ रही है या नहीं। तो सिलाई देखिए, ये ऊपर की नीचे की दोनों सिलाई भी प्रॉपर तरीके से आ रही है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।